में सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल करिए ताकि जब नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। कंटीन्यूअसली जल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लैंप है, ये आपका टायर ट्रॉनिक्स का वार्निंग लैंप है, सीधा सा इंजन मैल फंक्शन लाइट फंक्शन ओबीडी लैंप। दोस्तों, क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं इन वार्निंग लाइट्स के बारे में, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ये लाइट जो रहती हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कंसिडरेशन का जब भी इनमें से कोई भी जलती है, और हमको पता होना चाहिए एकदम तरीके से कि किस लाइट का क्या मतलब है, जिससे हम प्रॉपरली अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से समझ सकें, कोई प्रॉब्लम आए तो हम तुरंत इसको मैकेनिक के पास या ऑथराइज सर्विस सेंटर में ले जा सकें। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज मैं एक एक लाइट के बारे में आपको बताऊंगा कि ये लाइट किस लिए है, ये लाइट किस लिए है, ये वाली किस लिए है, और जो जलती हैं जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हो, तो ये सारी जो लाइट्स हैं इन लाइट्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड वीडियो ऑफ क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस, और आज के इस वीडियो में करते हैं बात थोड़ी सी अलग थोड़ी सी डिफरेंट। सो मेरा नाम है क्षितिज द्विवेदी और मैं जो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ इन्हीं लाइट्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वार्निंग लाइट्स। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, ये बहुत सारी लाइट्स हैं, जहां पे हम पहली लाइट की तरफ चलते हैं जो कि है ये, जिसे हम कहते हैं मैल फंक्शन ओबीडी लैंप। बेसिकली ये जो रहती है नॉर्मल कंडीशन में, जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये बंद हो जाती है, लेकिन कई बार गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है जब ये जलती रहती है। इसका मतलब आपके एमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम गाड़ी में आई है, या तो गाड़ी में कुछ सिस्टम है उसकी वजह से एमिशन में दिक्कत आ रही है, या तो फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम में कोई गड़बड़ है, जो कि फ्यूल का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है गाड़ी का, उसमें कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ एमिशन में गड़बड़ है जो कि एमिशन से रिलेटेड है ये लाइट, तो ये उस टाइम पे जलती है, कंटिन्यूसली जलती रहेगी। तो ये जैसे ही जले आपको तुरंत सर्विस सेंटर पे गाड़ी को लेके जाना है, वो लैपटॉप वगैरह लगाएंगे, उससे चेक करेंगे, जनरली रिजॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। कई बार वायर कटने की वजह से भी ये लाइट आती है। तो ये है पहली इम्पॉर्टेंट लाइट। नेक्स्ट है हमारी ये वाली लाइट, इंजन मैल फंक्शन लाइट, इसे हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं चेक इंजन लाइट इस गाड़ी की भाषा में। चेक इंजन लाइट, जैसे ही हम इग्निशन ऑन करते हैं 3 सेकेंड बाद ये बंद हो जाती है, देख रहे हैं। यदि उसके बाद भी ये ऑन रहे तो इंजन में कोई प्रॉब्लम है, या तो वायरिंग कटी है इंजन की। जनरली जब भी वायरिंग कटती है इंजन की, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, तो ये और ये दोनों लाइट जलती हैं, उस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, या तो स्टार्ट होगी तो कोई दूसरी प्रॉब्लम आने लगेगी, थ्रॉटल काम नहीं करेगा, कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। जनरली तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती अगर ये और ये दोनों लाइट चालू रहती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन वाली लाइट है आप लोगों के लिए, जैसे ये लाइट जले तो आपको तुरंत इसे सर्विस सेंटर में लेके जाना है। इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी लैम्प। सिक्योरिटी लैम्प का काम ये रहता है कि ये जो है अनऑथराइज्ड की वगैरह को ये अपने अंदर परमिट ना करे, जैसे कोई अनऑथराइज की या अनऑथराइज स्टार्ट हो रही गाड़ी तो ये अपने आप बंद हो जाएगी, गाड़ी में सिक्योरिटी दिया गया है, गाड़ी फिर स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ये हमारी सिक्योरिटी लाइट, यदि गाड़ी लॉक रहेगी तो आप देख सकते हैं रेट इसका स्लो हो गया, ओके, जैसे ही गाड़ी खुल गई तो आप देख सकते हैं इसका रेट फास्ट हो गया ब्लिंक करने का। यहाँ पे ये लाइट जो है, बेसिकली इस गाड़ी में तो ईबीडी नहीं है, तो यहाँ पे ये सिर्फ दो ही चीज के लिए जलती है। ये लाइट तभी जलती है या तो आपका ब्रेक ऑयल कम है, ओके, या तो ब्रेक में कोई दिक्कत है। अगर ईबीडी ऑक्यूपाई हो गाड़ी में, यानी कि इसमें तो नहीं आता ईबीडी, तब भी ये जलती है कि बताती है कि ईबीडी में कोई दिक्कत हो, या तो फिर ये बेसिकली पार्किंग ब्रेक एंगेज का सिंबल है। अगर पार्किंग ब्रेक एंगेज है तो ये जलेगी, अदरवाइज ये बुझ जाएगी। लेकिन अगर पार्किंग ब्रेक एंगेज करने के बाद भी ये नहीं बुझे
जैसे कि मैंने अभी पार्किंग ब्रेक लगा दिया तो ये जल गई, जैसे ही हटाया तो ये बुझ गई। अब अगर उसके बाद अभी भी कंटिन्यूसली जल रही है तो यानी कि आपके ब्रेक ऑयल कम होगा, या ब्रेक के सिलेंडर में कोई दिक्कत होगी, या ब्रेक ऑयल कम होगा, ये ब्रेक से रिलेटेड है। तो अगर ये कंटिन्यूसली हैंड ब्रेक हटाने के बाद भी चल रही है तो आपको गाड़ी लेके सीधे सर्विस सेंटर में जाना है, या तो फोन करना है, वो घर में आके चेक करेंगे। ओके, बैटरी चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लैंप इसे कहा जाता है। बैटरी चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लैंप का काम ये होता है कि या तो बैटरी अगर चार्ज नहीं हो रही तब ये जलेगा, या तो कुछ अल्टरनेटर में प्रॉब्लम आ गई तब ये जलेगा। यहाँ पे दो ही इसका काम होता है। यदि इसके अलावा भी ये जल रहा है तो ये बंद नहीं हो पा रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बुलाना है घर पे, तो वो आ करके जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो आ करके इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। तो ये भी एक कंसिडरेशन का पॉइंट है जब भी ये लाइट कंटिन्यूसली जल रही है गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद। अदरवाइज जैसे ही हम गाड़ी के स्टार्ट करते हैं तो ये लाइट बंद हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा इंजन ऑयल से रिलेटेड लाइट। अगर लो इंजन ऑयल प्रेशर वार्निंग लैंप इसे कहते हैं, ये वाला जो रेड कलर का है, यदि इंजन ऑयल कम है तब ये जलता रहेगा कंटिन्यूसली। अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई है उसके बाद भी यदि बंद हो जाती है गाड़ी स्टार्ट होते ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तब भी ये स्टार्ट होने के बाद भी जल रही है तो आपको तुरंत गाड़ी स्टॉप करनी है और इंजन ऑयल को चेक करना है डिपस्टिक की मदद से, जिससे हम चेक करते हैं ऑयल लेवल चेकर का, वो जो रहता है ना डंडी टाइप की, उससे चेक करना है। सो नेक्स्ट है हमारा ये वाला वार्निंग लैम्प जिसे हम कहते हैं वाटर इन फ्यूल। वाटर इन फ्यूल वार्निंग लैम्प का मतलब ये होता है कि जब भी, अगर मान लीजिए कभी आपके टैंक में जब भी आप डीजल भरवा रहे हैं अगर पानी चला गया, या आप धोते हुए कभी कभी चला गया, ओके, तो ये जाके फिल्टर बर्बाद कर देता है, तो उस केस में ये आपको वार्न करता है कि आपके फ्यूल में पानी है, ताकि आप इमीडिएटली अपना एक्शन ले लें। ज़्यादातर कंडीशन में जैसे ही आपका ये वाला लैम्प जलता ही रहे अगर, तब आपको सीधे गाड़ी सर्विस सेंटर में ले जाना है, और ये इग्निशन ऑन करने पे भी नहीं जलता 3 सेकंड के लिए, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लैम्प है। अगर ये जल रहा है तो यानी कि आपके फ्यूल में पानी है और आपको तुरंत इसे सर्विस सेंटर में गाड़ी लेके जानी है। ये जो वार्निंग लैम्प है ये आपका टायर ट्रॉनिक्स का वार्निंग लैम्प है। सीधा सा हम कहें तो ये आपका टायर के प्रेशर को इंडिकेट करता है। अगर टायर प्रेशर आपका कम होगा किसी भी एक या दो टायर में तब भी ये जलेगा, यदि बहुत ज्यादा हवा भर दी है प्रिस्क्राइब्ड से ज्यादा तब भी ये आपका जलेगा और आपको तुरंत हवा निकालनी या भरवानी रहेगी, तब आपका ये बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये स्टार्ट स्टॉप वार्निंग लैम्प। स्टार्ट स्टॉप वार्निंग लैम्प बेसिकली इस गाड़ी में आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं हाइब्रिड कार में क्या होता है, उसमें दो सोर्स रहते हैं, पहला सोर्स रहता है बैटरी, दूसरी सोर्स रहता है डीजल या पेट्रोल या आईसी इंजन वाला। तो इसमें आपको माइक्रो टेक्नोलॉजी मिलती है, जैसे ही आप सिग्नल पे गाड़ी को खड़ा कर रहे हो और आपने न्यूट्रल कर दिया गियर को और गाड़ी को आइडल कंडीशन में छोड़ करके, क्लच वगैरह छोड़ करके आप बैठ गए, तो गाड़ी 3 सेकंड बाद बंद हो जाती है। तो यहाँ पे तब यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप लैंप जल जाता है, जो कि आपको ये बताता है कि अभी ये स्टार्ट स्टॉप कंडीशन में है, आप क्लच दबाओगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये क्रूज कंट्रोल का वार्निंग लैंप है, या लैंप है जो आपको ये बताता है कि क्रूज कंट्रोल अभी एक्टिवेट है और आपकी गाड़ी क्रूज कंट्रोल में चल रही है। नेक्स्ट है आपका डोर अजार लैंप। डोर अजार लैंप आपका तब काम करेगा जब आपका कोई भी एक या दो या तीन या चार डोर काम खुले रहेंगे, और ये जो डोर अजार वार्निंग लैंप है आपके बूट के लिए काम नहीं करेगा। तो ये सिर्फ आपके आगे वाले और बीच वालों दरवाजों के लिए काम करेगा। एयर बैग वार्निंग लैंप, जब भी आपके एयर बैग में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मैल फंक्शन होता है, तब आपको ये इंडिकेट
करता है और कई बार इसकी पीसीबी या ईसीयू से भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो ये बंद नहीं होता जबकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती एयरबैग में तब भी, तो तब आपको अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर को कॉन्टैक्ट करना है। उसके बाद वो वहां जाके आपका लैपटॉप वगैरह से चेक करेंगे, देन उसके बाद आपको इस रिजॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका ये एबीएस वार्निंग लैम्प। ABS वार्निंग लैम्प में क्या होता है, या ABS मैल फंक्शन लैम्प तब काम करता है जब भी आपके ABS में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, यदि अगर पाइप ब्रेक हो गए हो या कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ गई हो ABS में, तो उस केस में यहाँ पे आपको ABS वार्निंग लैम्प दिखता है। इसके अलावा आपकी कुछ वायरिंग में भी कई बार दिक्कत हो जाती है तो उस टाइम पे भी ये लैम्प चल जाते हैं। उस टाइम पे सिर्फ आपको जाना है गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके और वो वहाँ पे आपकी गाड़ी चेक करके आपको इसका रिजोल्यूशन दे देंगे। अदरवाइज बेसिकली ये जब भी ABS में कोई प्रॉब्लम आती है तब भी ये जलता है। एक रिजर्व फ्यूल का लैम्प आता है, वो तब जलता है जब गाड़ी में डीजल कम होता है या तो गाड़ी रिजर्व पे रहती है, तो उस टाइम पे आपका जैसा स्क्रीन पे आ रहा होगा आपका इस टाइप का सिंबल रहता है। ये आपके इंडिकेटर्स का सिंबल है, ये आपके हाई बीम का सिंबल है, इसके अलावा ये आपकी पार्किंग लाइट्स का सिंबल है, ये आपके फॉग लैम्प्स का सिंबल है। इसके अलावा गाड़ी में अगर फोर व्हील ड्राइव है तो उसमें फोर व्हील ड्राइव हाई और फोर व्हील ड्राइव लो का सिंबल आता है, तो वो तो इस गाड़ी में है नहीं। एंड ये वाला आप जानते हैं सीट बेल्ट के लिए रहता है। अब आज की डेट में आप जानते हैं कंपलसरी हो गया सीट बेल्ट वार्निंग, तो ड्राइवर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और को पैसेंजर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जब को पैसेंजर ये सीट बेल्ट लगा लेगा अगर आपके बगल में बैठा है तभी ये जलना बंद होगा। तो ये वाला जो आपका वार्निंग लैम्प है ये तभी जलना बंद होगा जब सीट बेल्ट को पैसेंजर लगा लेगा और आप लगा लोगे। इसके अलावा हाई टेम्परेचर वार्निंग लैम्प रहता है जो तभी जलता है जब आपका गाड़ी में आपका गाड़ी का इंजन जो है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है या कूलेंट कम है गाड़ी में, उस कंडीशन में इंजन का टेम्परेचर वाला जो सिंबल है ऐसे उल्टा उल्टा टी टाइप का सिंबल है, तो वो उसका सिंबल है। बाकी इसके अलावा और गाड़ियों में अलग अलग आपको वार्निंग लैम्प्स देता है तो वो आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। सो दोस्तों यही था हमारा पूरा वीडियो इन्हीं वार्निंग लैम्प्स के ऊपर, बिकॉज सबके पास गाड़ी रहती है और ये वार्निंग लैम्प्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जानने के लिए। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर इसलिए करिएगा बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बिकॉज मैं आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय बाय।